अगर आप चाहते हैं 10,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन बाय करना, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऐसा स्मार्टफोन ले जो हमारे लिए बेटर हो, तो इस वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज़ के बारे में। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में, आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर इंडिया। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। सो पहले नंबर से चालू करने के बजाय हम चालू करते हैं पांचवें नंबर से। तो पांचवें नंबर पे आता है Xiaomi की तरफ से Redmi 7, जिसमें मिलती है 6.26 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। इसके अलावा 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है। Qualcomm Snapdragon 632 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें तो 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा Qualcomm Snapdragon 632 प्रोसेसर तो है ही। Redmi 7 को हमने रखा है पांचवें नंबर पे। फोर्थ पोजीशन पे आता है अपना Redmi Y3। फिर से Xiaomi की तरफ से आता है Redmi Y3, जिसमें मिल जाती है आपको 6.23 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। इसके अलावा आपको स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। सारे जो स्पेसिफिकेशंस है वो Redmi 7 के बरोबर ही है कंपेरिजन अगर करते हैं, लेकिन स्पेशल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो 32 MP का फ्रंट कैमरा Redmi Y3 में मिलता है, जबकि Redmi 7 में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो Redmi Y3 का जो स्पेशल फीचर है वो है इसका 32 MP वाला फ्रंट कैमरा। Redmi Y3 को हमने फोर्थ नंबर पर रखा है। थर्ड नंबर पे आ जाता है Infinix की तरफ से Infinix S4, जिसमें आपको मिल जाती है 6.21 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। इसके अलावा MediaTek Helio P22 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। उसके अलावा आपको 4000 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन में मिल जाती है। अब अगर Infinix S4 के स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 13+8+2 MP वाला। इसके अलावा फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है 32 MP वाला। इससे बेटर फीचर्स कोई भी स्मार्टफोन इस रेंज में नहीं देता है, पर अभी दो पोजीशन बाकी है। दूसरे पोजीशन पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M20, जिसमें आपको देखने को मिल जाती है 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले। सैमसंग की तरफ से एक्सोनस 7904 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन में मिल जाती है। अब अगर सैमसंग गैलेक्सी M20 के स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है 13+5 MP वाला। इसके अलावा ऑडियो फीचर्स की अगर बात करते हैं तो डॉल्बी एटमोस का साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर। इसके अलावा 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है 10,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में। अब अगर पहली पोजीशन वाले स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं तो Realme की तरफ से आता है Realme 3, जिसमें मिल जाती है आपको 6.2 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, MediaTek Helio P70 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 4320 mAh की बैटरी Realme 3 में देखने को मिल जाती है। अब अगर इसके स्पेशल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 13+2 MP वाला। उसके अलावा आपको MediaTek Helio P70 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है और एक 13 MP वाला फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। सो ये थे पांच ऐसे स्मार्टफोन्स जिसका प्राइस 10,000 रुपीज़ के अंदर है, और कैमरास के मामले में ये पाँचों स्मार्टफोन्स सबसे बेहतर है। मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि इन पांचों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेटर लगा। मेरे हिसाब से कई लोग बोलेंगे कि Realme 3 अच्छा लगा, कुछ लोग बोलेंगे कि Infinix S4 अच्छा लगा, कुछ लोग बोलेंगे कि Samsung Galaxy M20 अच्छा लगा, लेकिन सभी के ओपिनियन जानने के बाद ही ये कन्फर्म हो पाएगा कि इन पाँचों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा बेटर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो एक दिन की आड़ में आपको देता ही रहता हूँ। तो फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।